नमस्कार, न्यूज फ्लैश में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। खबर सिरसा से है, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने सिरसा प्रवास के दौरान कार्यकर्ताओं से बातचीत की और उन्हें लोकसभा चुनाव में जीत का मंत्र दिया। मुख्यमंत्री देर शाम टोहाना रैली के बाद हवाई मार्ग से सिरसा पहुंचे। मुख्यमंत्री डेरा बाबा भूमन शाह ने गए और बाबा ब्रह्मदास से आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि भाजपा कैंडर बेस पार्टी और जिस व्यक्ति को जो जिम्मेदारी दी जाती है वो पूरी शिद्दत के साथ निभाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अशोक तंवर को अपना प्रत्याशी बनाकर आपके पास भेजा है। एक काबिल व्यक्ति ही आपकी वकालत कर सकता है, इसलिए डॉक्टर अशोक तंवर को लोकसभा चुनाव जिताकर भेजें ताकि आपके हकों की पैरवी हो सके। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में काम करते हुए देश को ताकत दी है, बड़ा विजन दिया है और बड़ा नेतृत्व दिया है। आज पड़ोसी देश में हमारे नाम से कांपते हैं, विदेशों में भारत का डंका बज रहा है। एक बार फिर से मोदी की सरकार बनेगी तो पाक अधिकृत कश्मीर भी हमारा अंग बनेगा और चीन द्वारा हमारी दबाई गई जमीन भी वापस जाएगी। बाबा ब्रह्मदास जी ने मुख्यमंत्री को आशीर्वाद दिया और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के कार्यों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि डेरा बाबा भूमन शाह सर्वधर्म संभाव का केंद्र है और सब लोग यहाँ आते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री को अपना आशीर्वाद देते हुए कहा कि डेरा बाबा भूमन शाह में आने वालों को ना उम्मीद के अंधेरे नहीं मिलते। भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर ने मुख्यमंत्री का सिरसा में स्वागत करते हुए कहा कि नायब सिंह एक नायब मुख्यमंत्री, एक कुशल सांसद और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर बहुत शानदार काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री देश को दुनिया की अग्रिम पंक्ति में ले जाना चाहते हैं और हम सबने मिलकर अपने विजन को कामयाब करना है। मुख्यमंत्री जी ने सिरसा लोकसभा से अपना चुनाव अभियान शुरू किया है, इसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं।